मैं तो अगले साल भी जाऊंगा, तो उन्हीं वैकेंसी वगैरह अच्छी नहीं वैसी सब चीज था। कहीं पेपर आउट हो जाना, कहीं ये स्टे हो जाना, कहीं वो स्टे हो जाना, बाकी ये खाली मुद्दा ये है कि यहाँ रोजगार, युवाओं को रोजगार कहाँ, किसको कितना रोजगार दे दिया। दोस्तों मेरा नाम अभिषेक अवस्थी है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को 3 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। इस बीच मैं न्यूज नाउ इंडिया के माध्यम से लगातार आपको लखनऊ का चुनावी माहौल आप तक पहुंचा रहा हूं। इसी कड़ी में आज हम लखनऊ के सामाजिक परिवर्तन स्थल पर मौजूद हैं। आज यहां काफी भीड़ है। मैं यहां से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि इतनी भीड़ देख के यहां रुक गया और लोगों से बात करने का मन कर गया। युवा है कुछ हमारे साथ, इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या चुनावी माहौल है आने वाले चुनाव में, किसकी सरकार बनने का आसार लग रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है? विनयकांत। विनयकांत भाई क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ सर। पढ़ाई कर रहे हो? स्टूडेंट हो जी। नौकरी किसके, नौकरी की तैयारी कर रहे हो? सरकारी नौकरी? हाँ बिल्कुल। किस तरह के एग्जाम दे रहे हैं आप? आज यूपीएसआई का एग्जाम था। मतलब लखनऊ के रहने वाले नहीं है? मेरठ से। मेरठ से आए जी। यूपीएसआई का एग्जाम देने आए? जी जी। तो कैसा गया एग्जाम? एग्जाम सही रहा सर, मतलब मैं 8 साइड पढ़ाऊंगा, मतलब मैथ कमजोर था लेकिन और से रखना कवर हो गया। एग्जाम अच्छा हुआ। हाँ हाँ। पर क्या रिजल्ट आएगा इसका? रिजल्ट क्योंकि योगी की सरकार में कई बार जो है देखा जा रहा है, या तो पेपर लीक हो जाता है, या रिजल्ट नहीं आता है, या तो परीक्षा ही रद्द हो जाती है। मुझे लग रहा है एग्जाम जो है दोबारा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हर जिले में, मतलब कितने सारे जिलों से आई है कि वहाँ पे लीक हो रहा है या पढ़ रहे हैं, और हैकिंग के बारे में सुनने आ रहा है बहुत ज्यादा। और ये पिछले कितनी बार कैसे बढ़ते हैं वो भी चुका है। अब कब से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? सर लगभग 5-6 साल हो गए। 6 साल हो गए, एक भी नौकरी क्रैक नहीं हुई? एक एग्जाम क्लियर हुआ था। कौन सा? SSGD का। क्या हुआ उसमें? उसमें फिजिकल में रह गया। फिजिकल में रह गया। जितने नंबर थे उतने पे मैरिट थी, फाइनल मैरिट से बाहर हो गया मैं। फिजिकल में छेड़ गया। हाँ कोई बात नहीं। ये बताएं कि क्या लग रहा है योगी जी की सरकार को? 5 साल हो गया, आप मेरठ से, उत्तर प्रदेश से ही हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है। योगी सरकार को पहली बात तो आप ये बताएं कि कैसा रहा उनका कार्यकाल? कार्यकाल तो सही है, इतना ज्यादा मतलब वैकेंसी भी ठीक ठाक निकल रही है, लेकिन यही एग्जाम, मतलब एग्जाम हो रहा है और कुछ दिनों पता चल रहा है कि कैंसिल हो गया। वैकेंसी निकल रही है लेकिन भर्ती नहीं हो। हाँ वाला क्लियर नहीं हो पा रही है। हाँ। जो भी भर्ती है वो क्लियर नहीं हो पा रही है। तो ये कैसे बढ़िया रहा? ये तो बढ़िया नहीं रहा। नहीं ना, अगर जैसे यू पुलिस मायावती गवर्नमेंट में एक भर्ती आई। हाँ। वो कंप्लीट हो गई। हाँ। अखिलेश सरकार में एक भर्ती वो कंप्लीट हो गई, लेकिन योगी सरकार ने पुलिस कॉन्स्टेबल की 2 भर्ती आई, 2 बैच, और दोनों मतलब वो पूरे हो गए, तो मतलब दोनों से ज्यादा हो गया यूपी से, मतलब अखिलेश से और मायावती से। अच्छा, SI की भर्तियां 2 बार हो चुकी है, कॉन्स्टेबल की? कॉन्स्टेबल की भर्ती 2 बार हुई है और बाकियों में नहीं हुई? बाकियों में 1 बार हुई है। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको आने वाले चुनाव में किसका लग रहा है? सरकार को देखो, सब अपने मतलब सबकी अपनी पार्टी होती है भाई, कोई किसी को सपोर्ट करता है, मैं BSP को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा। और मुझे उम्मीद भी है कि BSP की सरकार बनेगी इस बार। BSP की सरकार बनेगी गठबंधन में या ये तो बात गठबंधन से बन जाए, कैसे बन जाए। आपको लीडर कौन पसंद है? क्या योगी जी आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के लिए सही चेहरा है? नहीं नहीं, मैं तो मायावती को मानता हूँ। मायावती को सही चेहरा? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। दादा यहाँ खड़े हैं, दादा बताएं क्या काम करते हैं आप? हम रिटायर्ड रेडियो पंचायत हैं। रेडियो पंचायत सरकार से रिटायर हुए हैं, तो क्या करने पहले आप यहाँ पे आए, क्या करने आए हैं? यहाँ बेटी को जो है वो SI की परीक्षा दिलवाने आए थे। अच्छा। तो ये हुआ कि यहाँ इनका ये पार्क भी घूम लिया जाए। जी जी। तो आप तो सीनियर हैं, मुझे बताएं, 5 साल आपने बहुत ही सरकार देखी होगी, है बहुत सारी सरकार आई गई, योगी सरकार के बारे में बताइए कुछ कि क्या लगा, कैसा काम? हमें तो लगता है इनकी सरकार के बारे में मेरा जहाँ तक विचार है, भ्रष्टाचार की सीमा ही नहीं है। मुझे 2 वर्ष हो गया रिटायरमेंट हुए और आज तक पेंशन नहीं दी जा रही, 1 लाख रुपया मुझसे मांगा जा रहा है, तो देने लायक नहीं हूँ तो दिया नहीं, तो पेंशन आज तक नहीं मिल रही है और घूम रहा हूँ। सिर्फ भ्रष्टाचार ही या और कोई, और कोई मुद्दा? क्योंकि भ्रष्टाचार तो खैर इन्होंने एक नारा निकाला था चुनाव में आने से पहले कि भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे उत्तर प्रदेश को, तो यही मुक्त किया, इसी तरह मुक्त है। और क्या मुद्दे आपको लगता है आने वाले चुनाव में रहेंगे जो योगी सरकार के लिए कठिन साबित होंगे? अब हमें ऐसे क्या बता रहे हैं, महंगाई के बारे में? महंगाई तो बहुत अच्छे ढंग से इनको सबको पता है, पूरा पब्लिक जानती है। यह सिलेंडर 2000 में 95 का मिलता था, 950 का मिल रहा है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर घर घर पहुंचाए, कितने सिलेंडर आज जो है खड़े हुए हैं उनके घरों में,
जो रखे हुए हैं खाली पड़े हुए हैं क्योंकि भरवाने के पैसे भरवाने के लिए पैसे नहीं है, तो लकड़ियां जो है बीन बीन करके और कंडे बना बना करके फिर उसी हालत में है, तो इनका जलवायु में क्या बात हुआ। बेटी को एग्जाम दिलाने लाए हैं आप, सरकारी नौकरियों की हालत बताएं। आपको पता होगा 3-4 दिन पहले अभी एक टीईटी का एग्जाम भी पेपर लीक होने की वजह से रद्द हो गया, उससे पहले 15 और एग्जाम जो है पेपर लीक होने की वजह से रद्द हो चुके हैं। भाई ने अभी हमारे बताया कि एसआई की हालांकि 2 बार भर्ती, कांस्टेबल की 2 बार भर्ती योगी जी ने करवाई है, मगर बाकी सारी नौकरियां जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो आजकल रोड पे धरना दे रहे हैं नौकरियों के लिए, क्या स्थिति है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि केवल एसआई की वो सारी कांस्टेबल की भर्तियां तो 2 इनकी कंप्लीट हुई, बाकी कोई भी भर्ती इनकी कंप्लीट नहीं हुई। कहीं पेपर आउट हो जाना, कहीं ये स्टे हो जाना, कहीं वो स्टे हो जाना, बाकी ये खाली मुद्दा ये है कि यहाँ रोजगार, युवाओं को रोजगार कहाँ, किसको कितना रोजगार दे दिया। 4,70,000 नौकरियां देने का वादा था, 70 लाख क्या 7 लाख भी नहीं दे पाए, 70 लाख की तो बात छोड़ दीजिए। कहाँ के रहने वाले हैं वोटर? कहाँ? जी हाँ, कानपुर का रहने वाला हूँ, नरवल तहसील है। अच्छा, हाँ गाँव फरेपा है। अच्छा, क्या लगता है आपके यहाँ पे और उत्तर प्रदेश में किसका इस बार माहौल लग रहा है? सरकार तो देखिए स्पष्ट किसी की नहीं बन पाएगी, ये तो गारंटी है, बनेगी गठबंधन ये पक्का है, अब गठबंधन किसमें किसमें हो वो समय रहते आएगा। फिर भी एक चेहरा जो आपको आजकल अखिलेश यादव बड़े जोरों शोरों में अपना प्रमोशन कर रहे हैं, कई जगह ऐलान करके आ गए हैं कि सरकार उनकी बन रही है, आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी को दोबारा मौका उत्तर प्रदेश की जनता देगी? मिल सकता है, लेकिन वो भी गठबंधन से ही आएंगे। तो डॉक्टर साहब, मुझे पहले तो आप डॉक्टर हैं तो मुझे बताएं कोरोना काल में आप लखनऊ में ही थे? बिल्कुल बिल्कुल लखनऊ में ही था। तो कोरोना काल में लखनऊ का क्या हाल था पहले? तो लखनऊ में तो उस समय बहुत ज्यादा विकट स्थिति थी कोरोना काल में, लेकिन जिस तरह से योगी गवर्नमेंट ने मैनेजमेंट किया बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा मैनेजमेंट जी। तो ये जो 20,000 करोड़ रुपए में योगी जी और मोदी जी ने मिलके ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पहुंचाए थे, ऐसा चला है, तो आपको लगता है पहुंचे प्राइवेट अस्पतालों में? बिल्कुल पहुंचे हैं, क्योंकि समय पे जो सेकंड जो कोविड जो सेकंड वेव था उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें थी, ठीक है, वो सीवियर फॉर्म में था, उसका स्ट्रेन खतरनाक था, जिसकी वजह से सारी चीजें सॉल्व हो पाई क्योंकि सरकार ने काफी चीजें मदद की। और ओवरऑल मुझे बताएं कि जब भी मैं लोगों से बात कर, मैं चुनावी सर्वे पे हूँ 3 महीने से लगातार कर रहा हूँ और आने वाले 3 महीने में भी हर विधानसभा में जाऊंगा, जब भी मैं किसी विधानसभा में जाता हूँ मुझे मैं लोगों से बात करता हूँ तो सबसे बड़े जो मुद्दे वो बताते हैं मुझे, तो वो उनके लिए महंगाई है, बेरोजगारी है और भ्रष्टाचार है, जिसकी जिन 3 पैमानों पे योगी की सरकार को तोला जाता है। और यकीन मानिए ज्यादा से ज्यादा लोगों ने ये कहा है कि 3 पैमानों पे योगी जी की सरकार फेल है, आपको क्या? मुझे तो लगता है कि जो पिछली सरकारें रही उससे बहुत अच्छा योगी सरकार का। अच्छा जी, तो अभी रिसेंटली टीटी का पेपर था जो पेपर लीक होने वजह से परीक्षा कैंसिल हो गई, आप लोग युवा है, आप लोग भी सरकारी नौकरी, इनके पास तो नौकरी है पर मुझे नहीं पता आपके पास है कि नहीं, तो अभी एग्जाम देने आया था जीडी का, तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी बेशक कर रहे होंगे, तो जो आप तैयारी कर रहे हैं मुझे बताएं उत्तर प्रदेश सरकार में पिछले 5 सालों में कितनी भर्तियां कर पाए? मतलब भर्तियां तो आई हैं पर जो दूसरी मतलब गवर्नमेंट रह चुके हैं अखिलेश यादव जी की, मतलब जिन बहन जी की है, तो उनकी कंपेरिजन में कमी है, क्योंकि जीडी की भर्ती जो पहले निकाली गई थी बहन जी यादव जी की सरकार में तो लगभग 50-60 ऐसे, या यूपी पुलिस की भी ले लीजिए, लेकिन अब जो है 25,000 हो गई, अब यूपी कांस्टेबल की आने वाली है वो भी लगभग 25,000 के अप्रोक्सीमेट है, लेकिन जो इनसे पहले जो थे उनमें लगभग 2 वैकेंसी लेके चल रहे थे, और फिर टेट ये टेट वाला एग्जाम हुआ है वो भी लीक हो रहा, हो सकता है जीडी वाला भी लीक हो रहा हो, क्या पता। तो मेरा वही कहना है, क्या ये भर्तियां तो निकली है बेशक योगी की सरकार में भी, पर ये भर्तियां कंप्लीट हो पाएंगी? आप युवा है बेहतर बता पाएंगे। नहीं, कंप्लीट हो रही है कुछ, मुझे मतलब ज्यादा जानकारी नहीं है, पर मतलब कंप्लीट तो होंगी जब कोई वैकेंसी निकाली। आप कब से तैयारी कर रहे हैं? मतलब मैं तो अभी आया हूँ, 6-7 महीने से तैयारी कर रहा हूँ, मेरे खास मतलब अभी मैं पोल्टिंग कर रहा हूँ फिलहाल, तो अभी वैकेंसी आए तो मैं थोड़ा तैयारी। एक युवा जिसको सरकारी नौकरी की चाहत है वो सरकार से क्या उम्मीद करता है? सरकार से मतलब यही उम्मीद कर सकते हैं हम लोग के, मतलब जो धर्म के साथ साथ उन चीजों को भी लेके चलना चाहिए जिन्हें मतलब जिससे हमें रोजगार मिले या हमारे देश को विकास की तरफ बढ़ाया जा सके, इंडस्ट्री एरिया लगानी चाहिए और भी चीजें हैं जो भी करना है, पर धर्म के साथ साथ महत्व उसको भी देना चाहिए, जो ये लोग धर्म को ज्यादा महत्व देते हैं उनके भी इनको महत्व देना चाहिए। धर्म पे ज्यादा महत्व देते हैं हिंदू मुस्लिम ज्यादा होता है ये सरकार में, किसान जो मतलब जो ये कर रहे प्रोटेस्ट कर रहे वहाँ पे, तो वहाँ पे 700 किसानों की मौत हुई, 1 साल से ज्यादा ये किसान आंदोलन चला, और फिर पूरे 1 साल के बाद पहले तो किसी ने बात नहीं करी, ऐसा किसानों का कहना है कि कोई उनसे बात करने नहीं आया बीजेपी का नुमाइंदा, और जब उत्तर प्रदेश चुनाव को 3 महीने बचे थे और जब
तब एकदम से एक डेमोक्रेटिक तरीके से ये कानून को वापस लिया। ऐसा तो है नहीं, मतलब सब बुद्ध सब जानते हैं कि मतलब अब चुनाव आ रहे हैं तो आपने मतलब जो है कि हम वापस ले रहे हैं, मोदी जी ने आगे बोल दिया तो ये वापस पहले भी ले रहे, जिन लोगों के 700 परिवार अलग हुए हैं वो, और वहाँ पे एक मुद्दा ऐसा भी था मतलब एक जो मतलब एक मतलब व्यक्ति थे उनको मतलब हाथ पर काट दिए थे निहंग सिखों ने, मतलब सिख मतलब वो भी मामला हरियाणा का, हरियाणा में मतलब बॉर्डर में जो पर हुआ वही बॉर्डर के आसपास था आंदोलन उसे जोड़ रहे थे, पर जोड़ रहे मैया उनके कॉन्टेक्ट में जैसे भी है तो अब गलती था कहीं तक, ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये मामला इस सरकार, हाँ अगर किसी धर्म को छूने से अगर मान लो वो पवित्र अपवित्र हो जाता है तो मतलब धर्म इतना कमजोर है कि उसके छूने का तो एक उस धर्म को मानने का क्या फायदा, इतना शक्तिशाली नहीं है कोई आदमी छूने तो गंदा हो जाएगा, ये क्या बात हुई। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो पुरानी विचारधारा है उससे आज की भाई मतलब वो मार दिए उनके बच्चों क्या बीत रही होगी, छोटे छोटे बच्चे थे उनके, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता मतलब उसकी जगह और कुछ करते, वो निहंग सिखों वो मार दिए, लेकिन जब अफगानिस्तान में सिखों को मारा जाता है और जगह मारा जाता है तब वो निहंग सिख नहीं आते, तो सीधी बात ये है जितने लोग होते हैं वो जो ताकतवर होते हैं वो कमजोर लोग होते हैं उन्हीं पर दिखाते हैं। जो जनता वोट करेगी आने वाले चुनाव में, अब मैं चाहता हूँ आप उनके लिए, क्यों आप युवा है उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, वोट कैसे करना चाहिए? मैं मतलब अपना मतलब और ज्यादा नहीं, मैं जैसा मैं देना चाहूंगा ऐसे, मैं मतलब पोलिटिंग कर रहा हूँ तो मेरी कॉलेज में मतलब बहन जी की MMIT करके बनाई थी उन्होंने कॉलेज का, वो उसी में कर रहा हूँ, तो ये था कि अभी तक तो उसमें लैब नहीं है, सरकार चली गई अगले साल की आगे फिर इनकी आ गई, अब लैब नहीं है, मशीन नहीं है, ट्रांसफॉर्म जनरेटर मतलब काफी चीजें नहीं है प्रैक्टिकल करने के लिए, तो बस समझ लिया तो वो लैब वगैरह कम्प्लीट हो गया, मैं तुम्हें वोट दे दूंगा यूजी को, लेकिन अगर वो कम्प्लीट नहीं देखिए फिर वोट हम नहीं देंगे जिन्होंने कॉलेज बनाई, हो सकता फिर उसके हिसाब से मिले हमें। अच्छा है ना, आप ये कहना चाहते हैं कि एक सरकार अगर कोई काम करती है तो दूसरी सरकार जो उसकी जगह पे आती है उस काम को नहीं करती। हाँ बिल्कुल है, हो सकता है ऐसा, क्योंकि मतलब कोई नाम चेंज है। जो मेन मुद्दा होना चाहिए युवाओं का, मेन मुद्दा क्या होता है कि रोजगार, ठीक है, इंडस्ट्री होनी चाहिए, जॉब होनी चाहिए ढेर सारी, गवर्नमेंट वैकेंसी निकलनी चाहिए, ये थोड़ी ना होता है कि जाति पात और जो है धर्मों में जो बांटता जाता है हर जगह चुनाव में ही होता है, तो हालांकि ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट भी उसमें कहीं ना कहीं सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, स्टूडेंट यूनियन के लोग इन्वॉल्व होते हैं, सारा चीज जो जाके वहां पे मतलब भीड़ इकट्ठा करते हैं, पैसे भी जाते हैं, लोग नारे लगाते हैं, क्या मतलब BA कर कर करके जो है ये सब सारी चीजें करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। मेन होना चाहिए उनका जो है इंडस्ट्री लगाए सरकार, रोजगार निकाले, गवर्नमेंट वैकेंसी निकाले, उसको आराम से सब सारी चीजें करे, तब जाके जो है युवाओं के ही सोचना चाहिए। कहाँ के रहने वाले हैं आप, वोटर कहाँ के? हम जो है आजमगढ़ जिले के रहने, जिले से पूर्वांचल। जी जी बिल्कुल। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी आने वाली? हमको भी लग रहा है योगी सरकार फिर से दोबारा आएगी। बिल्कुल, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है मतलब वैसे अखिलेश यादव भी आनी चाहिए फिलहाल, क्योंकि BSP का मतलब ज्यादा वजूद नहीं रहा है, मतलब वजूद तो है पर वोटर डिवाइड है, क्योंकि चंद्रशेखर मतलब और भी लोग आ चुके हैं, तो अखिलेश यादव भी बन जाए, उसी के लोग ज्यादा सपोर्ट करें, तो मैं तो अखिलेश यादव की चाहूंगा, क्योंकि वैकेंसी वगैरह अच्छी नहीं, वैसे सब चीज था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा, तो हम उनका सपोर्ट करेंगे, मतलब वो बीटेक चाहते हैं कि हमारा जो नेता हो वो पढ़ा लिखा। हाँ पढ़ा लिखा, वो मतलब बीटेक वगैरह करे हुए हैं, तो हम भी चाहते हैं इंजीनियर हो, तो वो उसी हिसाब से देखेंगे, अब जो जैसे जैसे इसकी पर्सनालिटी उस हिसाब से डेवलपमेंट करेगा, सीधी बात ये है। इसलिए आप अखिलेश, हाँ बिल्कुल, पढ़ाई की वजह से।